धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों आइए जानते हैं नक्षत्र के अनुसार करें कार्य। कौन कौन से कार्य हैं जो किस नक्षत्र में करने चाहिए, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और देखिएगा किस कार्य को कौन से नक्षत्र में करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कल हमने वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि नक्षत्र को 7 भागों में बांटा गया है, तो उनको कार्य किस प्रकार से निर्धारित किए हैं वो भी बताते हैं। पहला ध्रुव स्त्री नक्षत्र है, तीनों उत्तरा, रोहिणी तथा रविवार, इस दिन ध्रुव स्त्री संज्ञा के कार्य करने चाहिए। इनमें बीज बोना, गृह आरंभ करना, शांति क्रम, बाग बगीचा, वृक्षारोपण, गायन वादन, शिक्षा, मैत्री, संधि विचार, वस्त्र आभूषण निर्माण व धारण करना, ये सब कार्य कर सकते हैं। शुभ खेल खिलाड़ी हेतु शुभ है। मंत्री पद ग्रहण करने के लिए भी बढ़िया, परंतु रविवार को कौन करेगा, पर नक्षत्र ये तीनों चलेंगे। शपथ ग्रहण के लिए भी, स्थान ग्रहण के लिए भी शुभ है। दूसरा चर्चल नक्षत्र, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सत तारका तथा सोमवार, ये चर्चल के नक्षत्र हैं। इसमें मोटर ट्रक, ट्रैक्टर, साइकिल आदि विविध यानों का चलाना, यात्रा करना, क्रय विक्रय करना, दुकान खोलना, चित्रकारी, विद्या ज्ञान शुभ हैं। मित्रों तीसरा उग्र क्रूर नक्षत्र, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा तथा मंगलवार, इनमें दुष्ट कार्य भी किसी किसी के लिए शुभ होते हैं, इसलिए यहाँ दुष्ट कार्य कहना शुभ नहीं होगा, परंतु तस्करी का धंधा, विष व शस्त्र कर्म करना, ये भी किसी की आमदनी का कार्य है, ये इन नक्षत्रों में शुभ हो सकते हैं। चौथा मिश्र साधारण नक्षत्र, जो विशाखा, कृतिका नक्षत्र तथा बुधवार, इनमें मांगलिक कार्य, व्यापार, उपयोग में लाने वाली वस्तुओं शुभ हैं तथा उग्र नक्षत्र कार्य भी कर सकते हैं। पांचवा शिप्र लघु नक्षत्र, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत तथा गुरुवार, इनमें चर्चल नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य भी किए जा सकते हैं इन नक्षत्रों में। उसके उपरांत है मृदु मैत्र नक्षत्र, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा तथा शुक्रवार, इनमें ध्रुव स्त्री नक्षत्र वाले कार्य भी हो सकते हैं और चर्चल वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में मिक्स हैं। अंतिम है तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र, इन नक्षत्रों का नाम है मूल, ज्येष्ठ, आद्रा, अश्लेषा तथा शनिवार, इनमें उग्र क्रूर नक्षत्र वाले जो कार्य हैं किए जा सकते हैं, से तस्करी आदि। और बाकी यदि नौकरी करनी है, स्थापना करनी है, तो भी नौकरी में तो नहीं चलेंगे, परंतु किसी कोर्ट में केस दायर करना है, वो सब इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। मित्रों आपको जानकारी पसंद आ रही है इसी आशा के साथ, और आप इसे शेयर भी कर रहे हैं इसी मनोकामना के साथ। आप सभी को जय श्री कृष्ण।